यहाँ से देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेलेट कर रहा, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ से निगेटिव प्लेट लगा दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है। अब इसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले जाके छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा माइनस स्मॉल ई और कैपिटल ई, ये वाली चीज़, मतलब फील्ड के अपोजिट। तो इधर फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर ही मूव करेगा, इधर ही इसका एक्सेलरेशन होगा। तो ये कहता है कि द ड्री बोगली वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है मोशन की वजह से, उस पार्टिकल के पास मैटर वेव है, डी ब्रोगली वेव लेंथ है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना, मान लो इस प्लेट की पोटेंशियल वी वन है और इसकी प्लेट पोटेंशियल वी टू है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू ये हमें निकालनी है, दैट इज इसको मैं वी बोल देता हूँ। वैसे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होता है, तो डायरेक्ट आप रिजल्ट 12th में पढ़े होंगे, तो उससे जो मैटर वेव होती है 12.27 डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बी एंगस्ट्रॉन, इतना आपको आता है। अगर मान लो ये नहीं आता है, भूल जाते हो, तो भाई दिक्कत तो होगी ना। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कहाँ से आया है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो वर्क कर रहा है उस पर, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय ई और इन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस। यहाँ से मुझे मिल जाएगा हाफ ई एम बी, तो यहाँ से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो है मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m, और ये ई और वी, मोमेंटम की वैल्यू अपॉन 2m। मोमेंटम यहाँ से आप ड्री ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू, यहाँ से मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा का स्क्वायर और ई वी। तो यहाँ से आप जो लैम्डा कैलकुलेट करोगे, सारे कांस्टेंट है, देखो एच एम ई ये सारे कांस्टेंट है, तो जो भी आएगा वो कुछ रूट में आएगा लैम्डा, ठीक है। तो सारे कांस्टेंट रखने के बाद वो सुंदर सा फार्मूला वो दिखता है। तो हम इसी को डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो लैम्डा यहाँ दिया हुआ है, चलो लैम्डा दिया हुआ उसको रख देते हैं। तो लैम्डा कितना है, 1.227 इंटू 10 की पावर माइनस 2 नैनोमीटर है, तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इधर आ जाएगा 12.27 एंगस्ट्रॉन है, तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दूं, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस भी। ये वाली चीज़ यहाँ से भी निकाल लो अपना, तो भी निकाल लोगे तो यहाँ से अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर 9 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा पावर, और 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट ए और आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1.227 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1.227 इससे ख़त्म हो जाएगा, और अगर स्क्वायर कर दोगे तो ये स्क्वायर कर दोगे तो 10 की पावर -4 वन अपन भी आ जाएगा, मतलब भी की वैल्यू 10 की पावर 4 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट कर लो, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का सही है। तो ये कॉन्सेप्ट था और ये रटा हुआ फार्मूला था।